लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे पता चले मुझे रिपोर्ट करो। बॉडी को हाथ मत लगाइए। छोड़ दो इसे, ये सब कुछ मुख्तार ने किया। मुख्तार ने नहीं सर, नईम की मौत के जिम्मेदार आप हैं। नईम मारा गया क्योंकि वो अकेला था और उसे अकेला किया आपने। अपना खेल खेलकर आपने हमें अलग कर दिया। डिपार्टमेंट में आपका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है सर, यही तरीका है ना आपका केस सॉल्व करने का? अपने ही अफसर को मुख्तार की गोलियों के आगे आपने झोंक दिया। बहुत खूब सर, ब्रिलियंट सर, सुपर्ब। कहाँ जाइए सर, घर जाइए, खुशियां मनाइए, क्योंकि नईम की मौत में आपके छाती पर एक और मेडल का इंतजाम किया है। चाहिए चाहिए, घर जाइए सर। अब भी तुम गलत दिशा में सोच रहे हो। नईम सिर्फ मुख्तार की गोली से नहीं मरा है, थोड़ा उसे तुमने मारा है, थोड़ा उसे खुद ने। राह से भटकने की भूल होते ही जिंदगी साथ छोड़ना शुरू कर देती है। मुख्तार के रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए, हमें सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। इसके लिए चाहे कोई आम आदमी मरे या पुलिस वाला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज पॉलिटिक्स। हेलो बाबा, कहाँ हैं आप लोग? बेटे हम ठीक हैं, वो मैडी हमें एक बचाकर एक सेफ जगह पर ले आया है, लेकिन अभी अभी मैडी को कुछ लोग उठा के ले गए। और नईम कहाँ है, नसीम कहाँ है? मुझे बड़ी चिंता हो रही है बेटा। नईम ठीक है बाबा, अभी अभी मिल के आ रहे बाबा नईम को। देख तू मुझे समझा मत, जरूर तूने कोई बड़ी मुश्किल खड़े कर ली है बेटा। मेरी बात गौर से सुन। जो बचा है उसे उसे संभालो बेटा, और अपना ख्याल रखना। जी बाबा। मैडी, मैडी कहाँ तू?
शेर के जबड़े में मौत का इंतजार कर रही है। डॉक्टर मेडिका है। ए भाव, तेरा बटालियन में एक तू ही मेरे को समझदार दिखता है। जल्दी बोलना पैसा किधर है। टाइम और दिमाग दोनों खराब हो रहा है मेरा। इसका खोपड़ी में चेंज का होल डाल देगा बोलता है। पागल मत बन मुख्तार, मैडी को मालूम है पैसे का, उससे पूछ। ना बोलता है वो। मुख्तार मुख्तार मैडी को फोन दे, मैडी को फोन दे। इधर आ। चल 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 भाव। ए मैडी, ये क्या कर रहा है तू? बता दे उसको पैसे कहाँ। नहीं बताऊंगा मैं। चरण पे खेल के इतने पैसे हाथ में आए, कुछ भी हो जाए मैं ये पैसे नहीं दे सकता। पागल हो क्या तू? पैसे जिंदगी से बढ़कर नहीं होते। मगर मेरे लिए बढ़कर है भाव। इस पैसे ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं, कुछ ही नहीं मुझसे। मुझे इस पैसे से नफरत हो गई है। उसे बता दे पैसे कहाँ है बेटा, प्लीज। हम पुलिस वालों के लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई कैंडल मार्च नहीं करता। जिंदगी भर की ईमानदारी हमें बस कुछ मेडल्स दे सकती है, मगर जिंदगी पैसे से चलती है। कुछ भी हो जाए मैं ये पैसे नहीं दूंगा। मैडी, ठीक है मैडी, ठीक है, तेरे को जैसा करना है कर। आज से तू मेरे लिए मर चुका। मैं जानता था तू झूठ बोल रहा है। अभी एक और कत्ल का गुनाह मुझसे मत करवा। जल्दी बोल पैसा किधर है। पहले ही अपना अकाउंट बहुत भारी है। बोल। एक कोई लतीफा सुनाया मैं? मुस्कुराता का एक है। पैसे नहीं दूंगा, नहीं बताऊंगा मैं। देख, अपुन को अपना शकल और किरदार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपुन जैसा कमीना दिखता है वैसा ही है। देखेगा कमीना अपन उधर। ये तेरे को मेरा गैंग में घुसाया, अभी देख खुद ही निकल लिया बेचारा। अभी तो सोच रहा होगा कि पकिया तो नसीम भाभी को लेके गया था, ये तो मर गया। तो नसीम भाभी वो देख। तेरे को क्या लगा तू ही हम लोगों के गैंग में घुस सकता है? अब देख हम लोग तेरे गैंग में कहां तक घुस गए। अभी बोलेगा पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। ये मेरे को मिलना इश्क था, मैं जानता था। और इसके लिए दो पांच लाशें भी गिरेंगी ये भी जानता था। क्या लगा तेरे को पैसा मिलने के बाद मैं तेरे को छोड़ देगा? तेरी तो हूँ। Thank you.
से बॉबी। तूने मेरा दिल नहीं छीना मुख्तार, दिल तो है, नहीं इनको मार के तूने मेरी धड़कने छीन ली। जबरदस्त कोऑर्डिनेशन। मैडी के साथ फोन पे झगड़ा करके अभी तक मैडी को जिंदा रखने का यह अंदाज हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात शायद तुम लोगों की समझ में नहीं आई कि मैं यहां पहुंचा कैसे, है ना? पुलिस वाला हूं आप ही की तरह। ये सब क्यों किया? नियत में खोट आ गई थी सर। हर गलती का भुगतान करना पड़ता है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोगों ने क्या सोचा था मैं अकेले आऊंगा? Yeah.
के सरगना मुख्तार मेमन को मार गिराया गया है। जी हाँ, मुख्तार मेमन की मौत की खबर की पुष्टि हो गई है। इस बड़े ऑपरेशन को दिल्ली से आए सीबीआई ऑफिसर योगांधर बिश्नोई की अगुवाई में किया गया। उनका साथ दिया मुंबई क्राइम ब्रांच के 4 जाबाज अफसरों ने, एकलव्य करमरकर, नईम शेख, एरिक कोलासो और माधव सिन्हा ने। इस खतरनाक ऑपरेशन में एक ऑफिसर नईम शेख शहीद हो गए हैं। पुलिस को मेमन के अड्डे से करीब 500 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई है। सूत्रों से हमें पता लगा है कि सरकार ये रकम आम मुंबई कर की जरूरतों पे खर्च करेगी। मेमन की मौत बंद करो, पुलिस के लिए एक हेलो तिवारी जी। जी सिन्हा बोल रहा हूँ, दैनिक समाचार से। हाँ जी, आरजी साहब से बात हो सकती है? हाँ जी सर, सिन्हा साहब। हेलो। हेलो आरजी साहब, सिन्हा बोल रहा हूँ दैनिक समाचार से। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मुबारक हो, ये बहुत बड़ी जीत है आपकी पार्टी की। नहीं 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 नहीं, पार्टी की जीत नहीं है, ये जनता की ही जीत है। जनता की जीत? हाँ हाँ। तो आपकी सरकार क्या करने वाली है उस पैसे का? जनता का पैसा है और जनता पे ही खर्च होगा। तो फिर मैं आपका स्टेटमेंट छाप देता हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू। थैंक यू। पिछले 2 दिनों से कॉन्टेक्ट में नहीं है। मीडिया को जोड़कर सारा ये तमाशा रचने लगा था। इलेक्शन सर पे है, इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं मैं? तंबाकू लॉबी को कॉल करो और उनको बोलो कि फ्राइडे तक मुझे 700 करोड़ रुपए चाहिए। आई डोंट केयर हाउ, जल्दी जाओ और डीके को बोलो मुझे कॉल करे। युगांधर बिश्नोई, हुजूर ने आईने में चेहरे का नूर क्या देखा, हम उस पर अक्स बनकर उतर आए हैं। शेर है सर, बोलने का शौक है लेकिन समझता नहीं। आप तो समझ गए होंगे। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मैं जानता हूं आप मुझे देखकर बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूं, क्योंकि आपने मुझे जो काम दिया था वो मैं बड़ी ईमानदारी से निभा पाया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा निभाया तुमने। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा निभाया। वहां की जनता खुश, सरकार खुश, तो हम भी खुश। एक बात बोलूं सर, पब्लिक और मीडिया ये सोच रही है कि ये पैसे बरामद करके मैं इस केस की जड़ तक पहुंच चुका हूं। सच तो ये है कि मैं इस केस की जड़ तक पहुंचकर भी पहुंच ना सका, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। वो इसलिए कि मैं इस केस में थोड़ी देर से जुड़ा, लेकिन वादा करता हूं अगर दोबारा ऐसा केस मेरे हाथ आया तो मैं इस केस की जड़ तक पहुंचूंगा, और इस कामयाबी के लिए जिसे सबसे बड़ा झटका लगेगा वो है आप। एक वादा और करता हूं सर, रिटायरमेंट से पहले ये झटका मैं आपको जरूर दूंगा। जरूर इस वक्त ये फोन आपकी किसी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए है। मेरी राय है इसे सोच समझ के उठाइएगा।